हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं यूनिक से मुताब देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्का टेक्नोलॉजी। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी पीसी और लैपटॉप में पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आप सही सुना कि कैसे आप अपनी पीसी और लैपटॉप में कैसे अपनी पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ के साथ में आप इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। इंस्टॉल कैसे करेगा मैं आपको एक एक स्टेप कर करके मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप अपनी पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए आपको पैरट फर्स्ट में आपको पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों, और आपको एक VMware वर्चुअल बॉक्स है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। VMware बॉक्स इंस्टॉल करके आप उसमें है दोस्तों जो आप अपनी पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ मैं अपनी पीसी के होम स्क्रीन की तरफ। तो हे दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। बेल आइकन को क्यों दबाएं दोस्तों? कि जब भी मैं यूट्यूब पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसीलिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ अपनी पीसी की होम स्क्रीन की ओर। चलिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पीसी का है होम स्क्रीन। मैंने आपका बोला था कि कैसे आप पैरट ओएस अपडेटिंग सिस्टम है वो आप इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए आपको एक VMware बॉक्स का इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी पीसी के अंदर, और उसके अंदर में आपको पैरट ओएस अपडेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, VM बॉक्स का इंस्टॉल कैसे करें। VM बॉक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली आपको क्रोम पर जाना है। देखिए, मैंने क्रोम पर गया दोस्तों, और VMware बॉक्स आपको सर्च कर देना है। तो दोस्तों देखिए, VMware सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है दोस्तों। देखिए, और आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ विंडोज होस्ट का है वो VMware बॉक्स आपको इंस्टॉल करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और आपको डाउनलोड ऑप्शन पे है वो क्लिक कर देना है दोस्तों। देखिए, मैंने डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और उधर मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अब मैं पैरट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डाउनलोड करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैंने फिर से सर्च कर दिया पैरट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है दोस्तों। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो इंटरफेस आएगा दोस्तों, देखिए देख सकते हैं आप कैसे मेरे पीसी के लिए होम स्क्रीन पर इस तरह का फेस इंटरफेस जो आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है, और अपना पैरट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। देखिए किस तरह का इस भी आया है डाउनलोड का ऑप्शन। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारे पीसी का है होम स्क्रीन। हाँ तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ कैसे VMware बॉक्स आप इंस्टॉल करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ VMware बॉक्स मैंने क्लिक किया, और आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर क्लिक करना है दोस्तों। मैंने देखिए क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है, और यस कर देना है, और इंस्टॉल कर देना है दोस्तों। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तो आपको प्रोसेस लगेगा दोस्तों। देखिए, कुछ लग रहा है इस तरह का, आप देख सकते हैं दोस्तों। और आपको फिनिश कर देना है दोस्तों। देखिए, आप इधर से फिनिश कर देना है दोस्तों। फिनिश करने के बाद आपको VM बॉक्स है वो इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। देखिए, मैंने सर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का आप जो इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। देखिए देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आया है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली आपको मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो करना है दोस्तों। आपको देखिए न्यू पर क्लिक करना है दोस्तों। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक नाम दे देना है दोस्तों। देखिए, मैंने अपना नाम दे रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप। इधर से मैंने एक नाम दे दिया है दोस्तों, ठीक है। और आपको नीलक्स पे क्लिक करना है दोस्तों। नीलक्स पे क्लिक करने के बाद आपको 64 बिट के और 32 बिट का आपका कोई भी हो तो आप कर सकते हैं, 64 या 32 बिट का है वो कर सकते हैं दोस्तों। मैंने कर दिया दोस्तों, और करने के बाद आपको देखिए दोस्तों नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप अपना ये VM बॉक्स का आपके से कितना आप स्टोरेज देना चाहोगे वो आपको इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं आप, 2 GB 3 GB जितना भी दे सकते हो दोस्तों। चलो, मैंने 2 GB कुछ समथिंग पेंट दे दिया है दोस्तों, और आपको इधर क्लिक कर देना है दोस्तों। देखिए, क्लिक करने के बाद आपको यह VM बॉक्स का है वो टोटल कितना GB आप देंगे वो आपको क्लिक सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, फाइल लोकेशन आपको कितना साइज फाइल का देना है। देखिए, कुछ मैंने अपना इतना सा बढ़ा दिया है, देख सकते हैं आप दोस्तों। आपको जितना मन लगे उतना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। चलिए, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया दोस्तों।
क्लिक करने के बाद आपका वीएम बॉक्स है वो इंस्टॉल हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको सेटिंग पे जाना है दोस्तों। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा दोस्तों, देखिए आप इधर से आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपना वीएम बॉक्स का है वो चेंज वेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने एडवांस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का चेंज वेंज कर सकते हैं, जितना आपको मन लगे उतना कर सकते हैं, वो नॉर्मल बात है, कोई बड़ा बात नहीं है दोस्तों। इधर से आप अपना वीएम वर्चुअल बॉक्स है वो आप इधर से एडिट कर सकते हैं। देखिए सिस्टम पर क्लिक किया, सिस्टम पर क्लिक करने के बाद आपका मेमोरी का साइज़ है वो इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोसेसर का साइज़ है, प्रोसेसर का साइज़ है वो इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने बढ़ा दिया, देख सकते हैं आपको जितना मन लगे उतना कर सकते हैं दोस्तों। इधर से स्टोरेज डिस्प्ले का स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपको मैंने कुछ इस तरह का देखिए दोस्तों इंटरफेस दिया, और एमपीटी पे क्लिक किया दोस्तों। एमपीटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ सीडी का डिस्क आएगा दोस्तों, और आपको जो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इधर पे आपको देना है दोस्तों। देखिए मैंने अपना पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा हूँ, देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट में, और यहाँ है देखिए मेरा पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, मैंने इससे सेलेक्ट करके और ओपन कर दिया है दोस्तों। ओपन करने के बाद यहाँ हमारे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेलेक्ट हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, और आपको ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद आपको देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का है वो इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आया है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह का पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का है विंडोज ओपन होके आएगा दोस्तों। ये हमारे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी लाइव मोड में ओपन हुआ है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली दोस्तों आपको इंस्टॉल पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए आप देख सकते हैं थर्ड नंबर में है दोस्तों आप, और इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का जो इंटरफेस ओपन होके आएगा दोस्तों, देखिए देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का है वो इंटरफेस ओपन होके आया है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली आपको सर इंस्टॉल प्रोसेस पे क्लिक करना है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट कर दिया, और आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है रीजन दोस्तों, देखिए, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज दोस्तों, आप कोई भी लैंग्वेज आपका कोई मन पड़ता है वो कर सकते हैं दोस्तों, मैंने इंग्लिश एक सेलेक्ट कर लिया, और ईजियर डिस्क का सेलेक्ट करना है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से इधर पे नेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों, आप इसे ना सेलेक्ट भी करो तो भी चलता है दोस्तों, कोई मैनर नहीं रखता है ये सब सगप है। चलिए दोस्तों मैंने इधर से सेलेक्ट कर लिया फिर भी, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया दोस्तों। देखिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आप अपना पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम रखना चाहोगे वो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, और इधर से आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं मैंने पासवर्ड अपना रख दिया है, आपको सेम पासवर्ड इधर पर ही टाइप करना है दोस्तों। देखिए मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड का लोकेशन और लोकेशन देना है दोस्तों, देखिए देख सकते हैं आप, और देखिए दोस्तों ये मेरा पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। देखिए दोस्तों पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के लिए कुछ टाइम लगेगा दोस्तों, देखिए, और मैंने वीडियो फास्ट कर दिया दोस्तों, देखिए कर रहा हूँ अभी। हाँ तो देखिए दोस्तों मेरा अभी पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल डन हो गया है दोस्तों, देखिए देख सकते हैं आप। डन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा दोस्तों, देखिए मैंने डन किया, करने के बाद देखिए पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस तरह का ऑप्शन आया है दोस्तों। देखिए होम स्क्रीन पे मैंने मेनू पे क्लिक किया दोस्तों, मेनू पे क्लिक करने के बाद मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने पावर ऑफ कर दिया दोस्तों। देखिए पावर ऑफ करने के बाद मैं फिर से अपनी होम स्क्रीन पर जा रहा हूँ दोस्तों, देखिए पहला वाली होम स्क्रीन पर देखिए आ चुका हूँ दोस्तों, इधर से देख सकते हैं आप। मैंने वीएम बॉक्स पर क्लिक किया दोस्तों, वीएम बॉक्स पर क्लिक करने के बाद फिर से मैंने सेटिंग में क्लिक किया दोस्तों, देखिए सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप फिर से मैंने पहले ये बताया था कि आप इधर से आप चेंज वेंज कर सकते हैं वो स्टोरेज का कितना कैपेसिटी है वो कर सकते हैं दोस्तों, देखिए, और इधर से आप यह वीएम पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिमूव करना चाहते हो भी वो भी कर सकते हैं दोस्तों। इधर से देखिए मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, और इधर से अपना पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आप रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ में दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए।